प्रदेश में एक बार फिर से सत्ता में आने पर बाबा बुलडोजर नाम से मशहूर योगी सरकार दबंगों और भूमाफियाओं पर लगातार अपनी नकेल कसती चली जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ दबंग और भूमाफिया प्रकृति के लोग बाबा बुलडोजर को खुलेआम चुनौती देने से बाज नहीं आ रहे हैं। मामला कानपुर देहात की तहसील भोगनीपुर क्षेत्र अंतर्गत आने वाले छतेनी गांव का है। यहां पर संतोष मिश्रा ने बताया कि जगदीश यादव ने अलग अलग रकबे में अलग अलग घाटा संख्या में प्लाट खरीदे थे। अब जबरन सारे रकबों को एक साथ दिखाकर हाईवे किनारे पड़ने वाली बेसकीमती जमीन पर अपनी दबंगई और हथियारों के बल पर अवैध रूप से निर्माण कार्य करवा रहा है। यहाँ पीड़ित की शिकायत पर एडीएम कोर्ट ने एसडीएम भोगनीपुर को विवादित जमीन में यथास्थिति को लेकर एक आदेश जारी किया था। तो वहीं एसडीएम भोगनीपुर ने एसएचओ को जमीन पर निर्माण कार्य रुकवाने का आदेश दिया था। यहाँ पीड़ित द्वारा बताया गया कि जब पीड़ित ने एडीएम कोर्ट के आदेश की कॉपी एसएचओ भोगनीपुर को दी तब उन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए विवादित जमीन पर दबंगों द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य को रोकने संबंधी कार्रवाई करने से साफ इनकार कर दिया। देखिए इस खास रिपोर्ट को इंडियन प्राइम न्यूज पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार सचान है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम छतेनी का रहने वाला हूँ। अच्छा, आज यहाँ पर एक छतेनी में जमीनी विवाद को लेकर एक मामला प्रकाश में आ रहा, क्या मामला है? मामला उसमें ऐसा है कि ये चकबंदी न्यायालय में केस चला, वहाँ से आदेश आया है 168 वर्ग मीटर बनाने का, जो जगदीश यादव को परमिशन कोर्ट के द्वारा मिली है। और जगदीश यादव मोतेरापुर के रहने वाले हैं। इन्होंने 12 बिसुआ नेशनल हाईवे के किनारे, वो भी रोड के किनारे किनारे पूरी जमीन घेर ली है। 12 बिसुआ परमिशन है मात्र 168 वर्ग मीटर का। आपने अधिकारियों की शिकायत नहीं की? हम एडीएम अदालत गए। एडीएम अदालत ने हमको आदेश दिया, वो आदेश लेकर के मैं एसडीएम भोगनीपुर गया। उन्होंने हमको थाना भेजा। जब मैं थाने में गया और ये आदेश दिखाया तो वहाँ के कोतवाल साहब ने उसको लेने से ही फेंक दिया और बोले मैं कुछ नहीं कर सकता इसके ऊपर, मेरे पास समय नहीं है। हम लोग इतना अपमानित हुए कि आदेश कोर्ट का और ये हो क्या रहा है। संतोष कुमार मिश्रा, कहाँ रहने वाले हैं? छतेनी। छतेनी में जो एक जमीनी विवाद को लेकर आप लोग परेशान हैं, हाँ। क्या मामला है? मेरी ये पुस्तैनी जगह है, बाबा के नाम 12 बीघा जगह थी। उसमें कहो जाता चाचा ने 9 बिसवा जगदीश यादव को बेचा, 3 घाटों में उनका बहनामा है। वो एक घाटा में ही 9 बिसवा पूरा हाईवे पर कब्जा कर रहे हैं। इनका मेन रोड पे 15 फुट पड़ता है, वो 80-90 फुट कब्जा कर रहे हैं मेन रोड। अच्छा, जिस तरीके से एडीएम कोर्ट ने जो आदेश किया एसडीएम भोगनीपुर को और भोगनीपुर एसडीएम ने एसएचओ भोगनीपुर को आदेश दिए कार्रवाई यथास्थिति रुकवाने के लिए, तो क्या कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम थाना भोगनीपुर गए, इस इंस्पेक्टर साहब को ये कागज यथास्थिति के कागज दिए, एडीएम साहब की अदालत का जो कागज है वो दिया। उनसे हमने कहा कि साहब ये मामला है, हमारी जगह पे जगदीश यादव अवैध कब्जा कर रहे हैं गुंडई के बल पे। इंस्पेक्टर साहब ने कागज फेंक दिए, बोले हम मेरा ये कोई काम नहीं है। एसडीएम साहब ने जब आदेश जारी किए हैं तो इंस्पेक्टर साहब ने कार्रवाई क्यों नहीं की, क्या लगता है आपको? ये लगता है कि इंस्पेक्टर साहब इसमें खुद मिली भगत इनकी है। पुलिस का काम ये होता है कि रुकवाना चाहिए, मगर इंस्पेक्टर साहब ने साफ का मना कर दिया। ऐसा लगता है इन्होंने ठीक ठाक पैसे लिए हैं, इसलिए वो ये आदेश कोर्ट का आदेश भी मानने से इनकार कर रहे हैं।